Hello everyone, how are you and how's your studies going on? I hope you are doing great and your studies going great as well. तो दोस्तों आज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग डिस्कस करेंगे और फोर्थ यूनिट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और इसके साथ एक और चैप्टर हम डिस्कस करेंगे फोर्थ यूनिट का। इस वीडियो के बाद में एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें फोर्थ यूनिट से ही एक और चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। उसमें थर्ड यूनिट से बैलेंस ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर, वो डिस्कस कर लेंगे। एंड देन सेकंड यूनिट से हैरोल्ड डोमो मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे डिस्कस करके और फिर हम इस इकोनॉमिक्स की जो डिस्कशन की शुरुआत हमने करी थी इसको समाप्त कर देंगे। क्योंकि देखिए आपके भी एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और मेरे भी आपके साथ ही है एग्ज़ाम्स, तो मेरे लिए काफ़ी ये मुश्किल होगा कि मैं सभी चैप्टर्स को कवर कर लूँ। लेकिन जिन चैप्टर्स का मैंने नाम लिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो तीन चैप्टर्स हैं इसे जल्द से जल्द मैं कवर कर सकूँ, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट चैप्टर है ये डील करेगा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग से। काफ़ी लेंथी है चैप्टर, इसमें हम मेन फीचर्स इसके देखेंगे क्या होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के। इससे पहले डेफिनेशन देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, प्री रिक्वेसाइट्स कंडीशंस देखेंगे प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट इन प्लानिंग देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ भी देखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर अगेंस्ट टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये सब कुछ हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए लेंथी होने के चलते क्वेश्चन जो है इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, ये बात तो पक्की है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी टाइप्स के आ सकते हैं, वो आपसे फीचर्स पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पोर्शन बनता है, देन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि प्री रिक्वेसाइट्स कंडीशंस क्या होती हैं एक प्लानिंग के लिए, ठीक है, एक सक्सेसफुल प्लानिंग के लिए। एंड देन स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट इन प्लानिंग, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई देयर इज नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इकोनॉमिक प्लानिंग इन अंडर डेवलप इकोनॉमी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर अगेंस्ट ये पूछा जा सकता है, टाइप्स जो है वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी हैं आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की, तो इसके लिए एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली है क्या, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो यस गेस हु, तो ये हैं मानुषी छिल्लर जो कि मिस वर्ल्ड हैं इस बार की, तो हमें प्राउड होना चाहिए इन पर। और देखिए इनका पिक मैंने इसलिए कवर किया, देखिए इससे पहले मैरी कॉम ने भी एशियन गोल्ड जीता था, ठीक है, तो वो मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे स्किप कर गई बात, लेकिन ये हाल ही में दो दिन पहले की बात है जब मानुषी छिल्लर जो कि हरियाणा से हैं और इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इन्हें इसलिए मैंने शामिल करा क्योंकि देखिए इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया था कि विच प्रोफेशन डिजर्व द हाईएस्ट सैलरी एंड व्हाई, जब ये सवाल इनसे पूछा गया तो इनका जो आंसर जो था देखिए कितना अच्छा था। शी सेज कि आई थिंक अ मदर इज़ ऑफ द हाईएस्ट रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक इट इज़ जस्ट अबाउट कैश बट लव एंड रिस्पेक्ट शी गिव्स टू समवन, शी इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन हर लाइफ, मदर शुड गेट द हाइस्ट रिस्पेक्ट। देखिए जब इनसे पूछा गया कि कौन सा प्रोफेशन जो है जिसे हाइस्ट सैलरी मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए, तो इनका जवाब था माँ को लेकर। सो देखिए इनका आंसर इतना अच्छा था, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसलिए इसे ऐड करा इस स्लाइड में। ये सिर्फ कैश की बात नहीं होती है, देखिए यहाँ पे अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कई ऐसे काम हैं जो कि अनपेड हैं, लेकिन उनका जो रेलेवेंस है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, आप उसको समझ सकते हो। देखिए एक माँ की अगर बात की जाए तो घर में जितने उसके काम होते हैं अगर उसके लिए उसको पेड करा जाए तो मे बी शी डिज़र्व अ हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, सब समझ रहे हो ना। सो दैट इज़ वाई इसे मैंने आज सेलेक्ट किया और हमें प्राउड है मानुषी छिल्लर पे। कंग्रेचुलेशन मानुषी एंड कंग्रेचुलेशन द होल इंडिया। सो लेट स्टार्ट। देखिए सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली है क्या। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू दैट मेथड। सबसे पहले तो ये एक मेथड है अंडर विच अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, अब यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होगी, कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, तो उसे देश के जो रिसोर्सेज हैं उसको ध्यान में रखते हुए सीक्स टू कंट्रोल इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंट्रोल में रखते हुए। इकोनॉमिक देखिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट
ये सभी इकोनॉमिक्स फैक्टर्स को कंट्रोल में रखते हुए इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो देखिए डेफिनेशन कितनी इजी है, काफ़ी इजी है इसे समझना कि इकोनॉमिक प्लानिंग से हमारा तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है देश के नेचुरल रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स जो है उसको कंट्रोल में रखते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेगी और उसे प्राप्त करेगी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो एक ऐसा मेथड है जिसमें एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री सीक्स टू कंट्रोल इकोनॉमिक फैक्टर इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। सो आई होप कि इकोनॉमिक प्लानिंग की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग को डिटेल में डिस्कस करने से पहले कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसके प्रोसेस हैं, क्या इसके प्री रिक्विजाइट्स कंडीशंस हैं, स्ट्रेटजी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ क्या है, ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करो तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर आप देखो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की वो कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि दरअसल इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत इंडिया में क्यों पड़ी। ठीक है, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय देखिए इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की वो काफ़ी ख़राब थी। ठीक है, लोग जो थे वो काफ़ी इम्पावरिश्ड हो चुके थे, आर्थिक रूप से पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। आप पर कैपिटा इनकम की बात करो उसमें काफ़ी कम थी, लिटरेसी रेट की बात करो काफ़ी कम थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई थी, मतलब हम हर फील्ड में पीछे थे। ठीक है, तो इसके चलते अब देखिए उस समय की जो गवर्नमेंट थी अब उनके क्या एम होंगे, यही एम होगा ना कि किसी तरीके से पावर्टी को कम किया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसके कारण क्या थे, क्यों इंडियन इकोनॉमी जो थी इतनी पीछे रह गई, क्यों इतना यहाँ पे हमें एक पिछड़ा हुआ रूप देखने को मिला इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि देखिए जो फॉरेन सब्जुगेशन था, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने जो लूट खसूट इंडिया में मचाई उसके चलते हुआ क्या, इंडियन इकोनॉमी जो थी क्रिपल्ड हो चुकी थी, विकलांग हो चुकी थी, मतलब कि इसकी जो एफिशिएंसी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, अब वो ऐसा एक टाइम था कि उस टाइम पीरियड को हम कह सकते हैं कि नेशन इन मेकिंग। ठीक है, भारत नया नया उभर रहा था और एक नेशन मेकिंग की प्रक्रिया अभी शुरू हुई थी। ठीक है, समझ रहे हो, अब उसके साथ साथ देखिए एक पार्टीशन भी हुआ। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान बना, ठीक है, दो कंट्रीज यहाँ पे बनी, तो इसके चलते हुआ क्या कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया के वहाँ पे हमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, इसे इकोनॉमिक कंडीशन जो इंडिया की वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो इतना कुछ होने के बाद जो था उस समय के जो पॉलिटिशियंस थे, उस समय के जो थिंक टैंक बॉडी थी, उन्होंने सोचा कि एक प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी होनी चाहिए जो कि एक प्लान बनाए जिससे हम सोशो इकोनॉमिक की जो डेवलपमेंट है उसको हम अचीव कर सके। ठीक है, तो इसके चलते हुआ का ये सभी प्री कंडीशंस थी प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करने से पहले। तो इसके चलते हुआ क्या कि 1950 में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया थ्रू अ कैबिनेट रेसोल्यूशन। ठीक है, बाद में एक ये परमानेंट बॉडी ऑफ एक्सपर्ट बन गया, लेकिन ये सभी कंडीशंस थी जिसके चलते क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया 1950 में। तो यहाँ तक आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्लानिंग कमीशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो 1950 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब क्या इसके एम थे इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे, सबसे पहले तो क्योंकि जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी कम था, तो इसके लिए ग्रोथ रेट जो थी कंट्री की उसे हमने बढ़ानी है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो काफ़ी लो था, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करने के पीछे एक ये वजह थी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों को अच्छी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और फिर प्रोडक्शन जो है क्योंकि काफ़ी लो था, क्योंकि टेक्निक्स हम काफ़ी बैकवर्ड यूज़ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक ये भी रियली सॉरी कहीं ना कहीं ये भी एक ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन किया जाए, एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड की जाए, और इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई। ठीक है, अब इवोल्यूशन की बात करें ऑफ इंडियन प्लानिंग की, तो कैसे इसकी शुरुआत होती है, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में शुरू की गई इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे ये मालूम आपको होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है हमने कहाँ से अडॉप्ट करा, तो हमने रशिया से ये अडॉप्ट करा। ठीक है,
अब आप देखो कि 1950 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान की शुरुआत की गई, और फर्स्ट 3 जो 5 ईयर प्लान थे वो 1965 तक बहुत अच्छे से इसने काम किया। ठीक है, बहुत अच्छे से आप नहीं कर सकते हो, कुछ जो टारगेट्स आपने रखे थे आपने अचीव किए, कुछ नहीं किए। लेकिन जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसको 1966 में शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों? इंडिया चाइना वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसके चलते हुआ क्या कि 5 ईयर प्लान जो थे उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक है, इसलिए जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसको 1969 में इसको लॉन्च करा गया। ठीक है, अब फिर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ भी ऐसे चलते रहे, लेकिन देखिए 78 में जो था 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं रखा गया, वहाँ पे रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस करा फर्स्ट टाइम, जिसे जनता पार्टी ने, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने उसे इंट्रोड्यूस किया था। वहाँ पे रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था और 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। फिर एट्थ प्लान जो था उसको भी 1990 में नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी उसमें इंडिया की वो ठीक नहीं थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग लेक्चर हो जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में क्यों आए थे, ये फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं कि एट्थ प्लान जो था वो भी 1990 में लॉन्च किया गया, और अब देखो कि यहाँ तक एट्थ प्लान तक जो एम था प्लानिंग का वो इस तरीके था कि पब्लिक सेक्टर जो है आपके उसको ज़्यादा इंसेंटिव देना है। ठीक है, यस, ये देखिए, फॉर द फर्स्ट एट प्लान्स द एम्फेसिस वॉज ऑन अ ग्रोइंग पब्लिक सेक्टर विद मैसिव इन्वेस्टमेंट इन बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, बट सिंस द लॉन्च ऑफ नाइन्थ प्लान इन 1997 द एम्फेसिस इज ऑन द पब्लिक सेक्टर हैज़ बिकम लेस। तो इस तरीके से देखिए होता क्या है कि 1997 से पहले तक जितने एट्थ जो आपके 5 ईयर प्लान थे उसमें जो एम्फेसिस दिया गया, जोर जो दिया गया वो दिया गया था पब्लिक सेक्टर पे। लेकिन जो नाइन्थ आपका प्लान जब इंट्रोड्यूस किया गया, नाइन्थ 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया 1997 में, तो उस समय जो था एम्फेसिस जो था पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा न देते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी इन्होंने तवज्जो दी। ठीक है, तो उसके बाद से अगर अभी तक हम बात करें कि प्लानिंग वेल प्लानिंग जो 5 ईयर प्लानिंग जो थी बेसिकली, देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब नीति आयोग है, लेकिन 2017 तक 12th 5 ईयर प्लान था, तब तक जो इनका नेचर था प्लानिंग का वो कैसा था? इंडिकेटिव नेचर, 1977 के सॉरी 1997 के बाद में। ठीक है, इंडिकेटिव नेचर यही होता है कि पब्लिक सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स जो आपके हैं उसको ज़्यादा आप इंसेंटिव दो। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है, कि इज़ अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो, या फिर ये ज़्यादा इजी रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर को जो है आप इंसेंटिव ज़्यादा दे रहे हो एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टाइम लाइन ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, तो टाइम लाइन कैसे रहा प्लानिंग का, प्लानिंग का जो कंसेप्ट था सबसे पहले किसने दिया, ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई। तो प्लानिंग कमीशन की हमने बात की, 1950 में इसको एस्टेब्लिशमेंट इसकी करी गई और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। लेकिन इससे पहले 1934 में क्या होता है, विश्वेश्वरैया प्लान जो था, ये सबसे पहले किसने आइडिया दिया इंडिया में प्लानिंग का, वो थे ये पर्सन विश्वेश्वरैया। ठीक है, ये एक इंजीनियर थे, एक बहुत अच्छा फैक्ट है इनके बारे में कि एक ऐसे इंजीनियर थे कि इनके बर्थडे पे हर साल इंडिया में इंजीनियर डे भी मनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। तो ये थे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग को इंडिया में दिया सबसे पहले, और उनकी बहुत अच्छी फेमस ये बुक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसमें इन्होंने बताया कि प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए इंडिया में, और 1934 की ये बात है, और बेसिकली जो इनका प्लान था वो था 10 ईयर प्लान। ठीक है, तो 10 ईयर प्लान इन्होंने दिया। अब इस प्लान के क्या क्या फीचर्स थे ये अपने आप में फिर से एक अलग लेक्चर हो जाएगा कि किन किन सेक्टर्स को इन्होंने कितना कितना इंपॉर्टेंस दिया। बेसिकली वैसे है तो ये कैपिटलिस्टिक सेक्टर की ही बात करते हैं। ठीक है, पर इनका एम ये था कि किसी तरीके से इनकम जो है उसको डबल किया जाए इंडिया में। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दी। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई, तो विश्वेश्वरैया जो थे ही वॉज द फर्स्ट हु गिव द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है,
फिर आप देखते हो 1938 में नेहरू कांग्रेस प्लान जो था ये सामने आता है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 44 में बॉम्बे प्लान कह सकते हो आप, एक बॉम्बे प्लानिंग कह सकते हो, जिसमें उस समय के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे JR टाटा हो गए, GD बिरला हो गए, कस्तूरी भाई लाल भाई हो गए, तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इन्होंने प्लानिंग किया। ठीक है, तो इस तरीके की प्लानिंग भी इंडिया में देखने को मिली। फिर आप गांधीयन प्लान की बात कर सकते हो, ठीक है, एंड देन पीपल्स प्लान जो कि टोटली बेस्ड था सोशलिस्टिक लीनिंग पे, आप इसकी बात कर सकते हो। एंड देन 1950 में जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय प्लान था, ठीक है, जो कि टोटली बेस्ड था विनोबा भावे के फिलॉसफी पे। देखिए, सर्वोदय का मतलब हुआ कि सर्व उदय मतलब सबका उदय, दैट मीन्स कि जितने भी लोग हैं सबका वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लानिंग भी इंडिया में आया। फिर उसके बाद आपको मालूम है 1950 में प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश करा गया। ठीक है, 1952 में जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ। तो ये सभी प्लानिंग ही है, और प्लानिंग की कहाँ से शुरुआत होती है, 1934 से। उसके बाद नेशनल कांग्रेस की जो प्लानिंग थी, ठीक है, गांधीयन प्लान की हमने बात की, जयप्रकाश नारायण की, फिर पीपल्स प्लान की हमने बात करी, फिर प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की भी स्थापना की गई। फिर होता क्या है, 2014 में प्लानिंग कमीशन को बंद किया जाता है, और 2015 में गवर्नमेंट ने किसका फॉर्मेशन किया, नीति आयोग का, दैट इज वट, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप बताओगे। ठीक है, तो अब देखिए 5 ईयर प्लान जो थे उसके हम टाइमलाइन, उसकी टाइमलाइन देखेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी वो थी 1951 से 1956 तक। किस मॉडल पे बेस्ड थी ये, हैरल्ड डोमा मॉडल। ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हैरल्ड डोमा मॉडल बेसिकली था क्या, और 1951 का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो बेस्ड था हैरल्ड डोमा मॉडल पे। ठीक है, और फोकस किस पे करा गया, एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन एंड पावर पे, क्योंकि देखिए उसमें एग्रीकल्चर की ही ज़रूरत थी इंडिया को। ठीक है, क्योंकि एक 19 मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1934-5 के दौरान ना वेस्ट ऑफ बंगाल में फेमिन आया था। ठीक है, उस फेमिन के चलते हुआ क्या कि बहुत से लोग जो थे मे बी अराउंड 10 लाख पीपल जो थे वेस्ट ऑफ बंगाल के, उन्हें भूखमरी से मरना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को भारत नहीं भूल सका था कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान इतने सारे लोगों की मौत हुई थी। तो बेसिकली ये इंडियन जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनको इस बात का मालूम था कि कहीं ना कहीं हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि 1930s वाली जो सिचुएशन थी वो दोबारा इंडिया में ना क्रिएट हो, और भूखमरी के चलते इतने लोगों की जो मौत है वो फिर से इंडिया को ना देखना पड़े। ठीक है, तो फोकस जो था ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर पे हमें उसमें देना पड़ता। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करा गया। ठीक है, और इस उद्देश्य के साथ कि GDP ग्रोथ जो है उसमें भी काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिले। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं तो बेस्ड था ये महालनोबिस मॉडल पे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे ये याद रखना है कि पहला जो 5 ईयर प्लान था उसका फोकस था इंडस्ट्रियल सॉरी एग्रीकल्चर पे, एंड देन सेकंड जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इसका फोकस ज़्यादा था। ठीक है, एंड देन थर्ड 1961 से 66 तक जो 5 ईयर प्लान जो था वो सुखमय चक्रवर्ती ये मॉडल था, और जिसे गैडगिल योजना भी कहा जाता है। बेसिकली ये फेल हो चुका था क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस समय की वो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, और उसके क्या कारण थे, ड्राउट भी था एंड वॉर विद पाक एंड चाइना। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हो हॉलीडेज, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को उसको कंटिन्यू हम नहीं रख पाए क्योंकि वेल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और उसके चलते हम कंटिन्यू नहीं रख पाए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 3 एनुअल प्लान्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1966 से 1969 तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, तो इसके चलते हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट इंडिया में आया, और नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स इन 1969 भी हमें देखने को मिला था उसमें। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि 14 ये कौन से बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज्ड किया गया 1969 में। फिर फोर्थ प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया 1969 में। ठीक है, और
देखिए मॉडल आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन से मॉडल थे। बेसिकली आपको थीम पता होना चाहिए क्या था। तो कई बुक्स हैं उनका कहना है कि फोर्थ प्लान जो था उसका स्लोगन था गरीबी हटाओ, ठीक है। कुछ बुक्स कहती हैं कि जो ये फिफ्थ प्लान था इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। बेसिकली फिफ्थ भी कई बुक फिफ्थ 5 ईयर प्लान को कहते हैं कि यहाँ पे पॉवर्टी एलिमिनेशन का नारा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। एंड देन फिर आप इस तरीके से देखते हो कि 78 के बाद पंचवर्षीय योजना जो छठी पंचवर्षीय योजना आनी थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया, क्योंकि मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी उन्होंने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। रोलिंग प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आप तीन टर्म्स में इसको डिवाइड कर देते हो प्लान को। एक एक ईयर के लिए होता है, एक थोड़ा सा लॉन्ग होता है 3 to 5 ईयर्स के लिए प्लान, और एक ये लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 10 to 15 ईयर्स के लिए प्लान करा जाता है, ठीक है। फिर सिक्स्थ ईयर प्लान जो था 5 ईयर प्लान जो था उसको 1980 में इम्प्लीमेंट किया गया, और फोकस था नेशनल इनकम को किसी तरीके से आप इम्प्रूव करो। एंड देन सेवेंथ, और सेवेंथ के बाद बेसिकली एट्थ जो था उसको 1989 में इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते जो है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। ये हमने लास्ट स्लाइड्स में देखे थे क्यों। एंड देन 1992 से 1997 तक जो था हमने एट्थ प्लान को इंट्रोड्यूस किया, और ये मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इस दौरान क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी का फुल फॉर्म बताओगे आप, ठीक है। एंड देन 1997 से 2002 तक जो था नाइन्थ 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। आप ये देख लो क्या इसके थीम थे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर योर करंट एग्जामिनेशन, पर जनरल अवेयरनेस के लिए आपको मालूम होना चाहिए। एंड देन 10th, 11th और 12th 5 ईयर प्लान थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये लास्ट थी हमारी पंचवर्षीय योजना की जो कि 12th 5 ईयर प्लान थी, ठीक है, जिसका थीम था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है।